Now next example. In that case, we are assigning double or decimal value inside integer types of variables. As we are discussing in beginnings, integer can hold so only whole numbers or integer parts. But what happens whenever we are assigning decimal number or floating point number inside integer variables? Means x ke respect mein baat karein, toh x ka type kya is case mein? Integer number. Isliye x ke liye total bytes kitne asign honge? 2 bytes. Is case mein binary representation need nahi hogi, simply some variable x. X case mein currently assign kya karaya gaya? X equals to 2.5. मीन्स एक्स और इंटीजर के केसेस में ओनली इंटीजर पार्ट असाइन करना पॉसिबल. मीन्स 2.5 के केस में 2 क्या है? 2 इज अ इंटीजर पार्ट एंड 0.5 इज कंसीडर्ड एज डेसिमल पार्ट. मीन्स जब भी इंटीजर डेसिमल टाइप का नंबर इंटीजर्स में असाइन करोगे, इस केस में कभी भी ना ही कोई कंपाइल टाइम एरर आएगा ना ही रन टाइम एरर आएगा. सिंपली वी कैन कंसीडर एज सम लॉजिकल मिस्टेक्स. लॉजिकल मिस्टेक बिकॉज इस केस में असाइन क्या कराया गया? 2.5. इसलिए एक्स के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? 2.5. लेकिन रियल में असाइन किया हुआ ओनली इट्स इंटीजर पार्ट ओनली. मीन्स डेसिमल पार्ट सिंपली डिस्कार्ड हो जाए, देयर इज नो एरर. मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इक्वलेंट टू x equals to 2. मीन्स इस केस में करंटली असाइन किया हुआ ओनली इंटीजर पार्ट, नॉट अ डेसिमल पार्ट. इंटीजर पार्ट में अगर 2 फाउंड हो रहा है तो इस केस में x में असाइन भी किया हुआ ओनली सिंपली 2. मीन्स दिस वन इज सिंपली लाइक दैट. x कंटेन्स वैल्यू एज 2 इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर लाइक दैट 00010. दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. फाइनली देन जब x का वैल्यू डिस्प्ले कराओ प्रिंट टैप के थ्रू, देन इस केस में सिंपली जब x में 2 असाइन हुआ तो इसलिए आउटपुट भी क्या प्रिंट होगा? ओनली सिंपली 2. दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. समटाइम्स यू आर कंफ्यूजिंग लाइक दैट. व्हाट हैपेंस व्हेन एवर वी आर डिस्प्लेइंग सम वैल्यू लाइक दैट प्रिंट टैप using percent %d, we are supplying directly 2.5. what is the result of this printf function or displayed message? इस केस में अगर बात करें currently value का type क्या है, we can say float or double types of content. already discuss किया था, by default decimal points को consider किया जाएगा जाए double literal. double type के value percent %d से display करो. इस केस में percent %d के according expected value क्या होना चाहिए? only integer. इन इस केस में ऐसा नहीं है कि means simply 2.5 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक अ 2. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. मीन्स इस केस में कोई भी अननोन वैल्यू डिस्प्ले होगा, सम अनएक्सपेक्टेड वैल्यू, और वी कैन से समथिंग गार्बेज वैल्यू. देयर इज नो एक्सपेक्टेड रिजल्ट, गार्बेज और मे बी 0 लाइक दैट, और मे बी सम रन टाइम एरर. सिमिलरली कब प्रिंट एफ के अंदर वैल्यू परसेंट एफ से डिस्प्ले कराया, देन पास कर गया समथिंग सम इंटीजर नंबर ओनली. अगेन इस केस में भी एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं, मे बी सम अनएक्सपेक्टेड वैल्यू गार्बेज और समथिंग 0 अगेन, और मे बी सम रन टाइम एरर लाइक दैट. व्हाट हैपेंस व्हेनेवर वी आर सप्लाइंग सेम रिजल्ट लाइक दैट प्रिंट एफ परसेंट डी लाइक अ प्रीवियस केस. प्रीवियस केस में सप्लाई किया था 2.5. अगर 2.5 डायरेक्टली सप्लाई करो देन क्या होगा? सम अनएक्सपेक्टेड वैल्यू. कि सेम वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद डिस्प्ले करना पॉसिबल. अगर इस केस में टाइप कास्टिंग इंटीजर में कराया है देन इस केस में क्या होगा? इस डेसिमल पार्ट ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हुआ, सिंपली क्या रिटर्न हुआ इसे 2, इसलिए डिस्प्ले भी क्या हुआ ऑल्सो 2. सेम एज इन सेकेंड केस, डायरेक्टली अगर 2 पास किया देन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, लेकिन 2 को अगर फ्लोट या डबल में टाइप कास्ट कर दिया जाए देन ये किस कैसा है? अगेन वैलिड. इस केस में क्या डिस्प्ले होगा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट एज 2.00 समथिंग लाइक दैट.